नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। कानपुर नगर, भाई बहन का प्यार रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया गया। दुकानों पर जगमगाती नजर आई देसी राखी। चकेरी क्षेत्र के जाजमऊ में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सिद्धनाथ घाट पहुंचे कानपुर समाज सेवा समिति के अध्यक्ष मुस्तकीम उर्फ बब्बन व जफीर सिद्दीकी ने सिद्धनाथ घाट मंदिर में दर्शन को आए हुए लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क वितरण किया। समाज सेवा समिति के लोग जब सिद्धनाथ घाट पहुंचे और गरीब बस्तियों में बच्चों और माँ बहनों को मास्क बांटा रहे थे, तो वहीं महिलाओं ने समाज सेवा समिति के लोगों को राखी बांधकर सम्मानित किया। वहीं समिति के लोगों ने भी राखी बनवाने के बाद बहनों को कोरोना महामारी व आर्थिक तंगी में हर संभव मदद करने की आश्वासन दिया। देश में फैली कोरोना महामारी व चाइना से तनातनी को देखते हुए हमारे देश की जनता ने चाइना राखी का भविष्यकार किया है, जिसका आज उदाहरण कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र में देखने को मिला। दुकानदारों ने बताया कि चाइना की राखी का भविष्यकार कर दिया है और इंडियन राखी बेच रहे हैं, जिसमें कमाई में कमी तो पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रतीक यादव। ये बताइए, आपकी रक्षाबंधन में आपकी राखी का त्यौहार आप लोग कैसे गुजरा? आप हर साल राखी बेचते हैं? जी बिल्कुल। आपके साथ त्यौहार कैसा गया? कमाई भाई है, सब कुछ हुआ, पर पहले जैसा जो चाइना का माल आता था उस तरह नहीं हो पाया, पर चाइना का बहिष्कार करते हुए इंडिया का माल लाए थे, बचा कम है, पर त्यौहार हमारा अच्छा रहा। देखते हुए देश से चाइना का व्यवहार देखते हुए इस बार हम लोगों ने चाइना का किया है बहिष्कार। तो कमाई कम भाई है, मगर फिर भी आप खुश हैं? बिल्कुल।